नमस्कार दोस्त। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने घर पे तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी की पौधा की हम पूजा भी करते हैं और अक्सर देखा भी जाता है कि तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक तत्वों से युक्त होता है, जिसकी वजह से हम बीमारी में भी तुलसी के पौधे के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम के साथ ही पूजा की जाती है, लेकिन कभी भी भगवान गणेश के साथ अर्पित नहीं किए जाते। ऐसा क्यों होता है, जानिए इस वीडियो के दौरान। कहानी इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण गंगा तट के किनारे पर बहुत ज़्यादा अपनी पूजा कर रहे थे और वह ध्यान मगन में थे और उस समय तुलसी वहाँ से गुजर रही थी। तुलसी ने भगवान गणेश को देखा यमुना तट पर कि वह प्रार्थना कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी जो पूजा थी उसे भंग किया और उसे भंग करने के बाद उन्होंने अपने शादी का प्रस्ताव उनके पास रखा। भगवान गणेश ने गुस्से से वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और ठुकराने के साथ साथ उनसे ये कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा। और तुलसी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा अफसोसित महसूस करने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन आगे कलयुग में तुम्हारी पूजा के साथ साथ जो व्यक्ति तुम्हारे पत्तों का भी ध्यान रखेगा और ग्रहण करेगा तो वह अपनी मुक्त यानी कि अपनी जितनी भी माया मुक्त है उन चीज़ों से वह दूर हो जाएगा। और भगवान गणेश ने उनकी पूजा में यह भी कहा कि कभी भी तुम्हारे पत्ते मेरी पूजा में नहीं चढ़ेंगे। तो यही कारण था कि भगवान गणेश की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।